Good morning, class 5. Welcome to your maths class. Today we are going to start our exercise 7A. So first question, देखिए, a dozen of bananas cost rupees 24. What is the cost of half a dozen? तो मैंने आपको बताया था कि dozen का मतलब होता है 12, है ना? 12 pieces of anything which is given in dozens. तो यहाँ पर half a dozen बोला है आपसे. तो half a dozen निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12. तो इस तरीके से हाफ अ डज़न हो गया 6. तो 6 हो गए बनानास, और एक बनाना की कॉस्ट, अ डज़न ऑफ बनानास कॉस्ट रुपीज़ 24. अब यहाँ पर आपको बोला है कि 24 जो है वो एक डज़न बनानास की कॉस्ट है. तो हाफ डज़न बनाना की कॉस्ट कितनी होगी? हम क्या करेंगे, 24 का 1/2 कर देंगे, तो 12 रुपीज़ विल बी द कॉस्ट ऑफ हाफ अ डज़न बनानास. नेक्स्ट, 3 बनानास की कॉस्ट निकालनी है. तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 24/12 मल्टीप्लाई बाय 3. क्या करना है इसमें कि 24/12 कर देंगे हम, तो इससे हमें क्या पता लग जाएगा कि एक बनाना कितने रुपए का है. तो ये देखिए 12 and 12 2 24. तो इस तरीके से ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और आंसर आया हमारा 6. तो 3 बनानास की कॉस्ट कितनी हो गई, 6 रुपये. नेक्स्ट देखिए, एक बनाना की कॉस्ट चाहिए. तो अभी हमने निकाला कैसे, 24/12. तो इस तरीके से आया हमारा क्या, 2. नेक्स्ट, 5 डज़न बनानास. एक डज़न अगर 24 रुपये के हैं तो 5 कितने के होंगे, 5 डज़न कितने के होंगे, 5 4 20, 5 2 10, प्लस 2 12, तो 120. इन सब के आगे रुपीज़ लगाना ज़रूरी है क्योंकि आप कॉस्ट निकाल रहे हो. नेक्स्ट देखिए, द कॉस्ट ऑफ 36 टॉफीज इज़ रुपीज़ 72. वॉट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 टॉफी? तो देखिए 36 टॉफीज की कॉस्ट है 72. तो 1 टॉफी की कॉस्ट कैसे निकलेगी, 72/36. इसे आप सॉल्व कीजिएगा, 36 मतलब 2 रुपये. तो इसे सॉल्व करने पर हमारा आया 2. नेक्स्ट देखिए, हमें 15 टॉफीज़ की कॉस्ट निकालनी है. व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 15 टॉफीज़? तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें एक टॉफी की कॉस्ट पता है, तो 15 की 15 मल्टीप्लाई बाय 2. ऐसे ही 30 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे ही 80 मल्टीप्लाई बाय 2, 65 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 2. इन सब के जो आंसर आएंगे वही आपकी कॉस्ट निकलेगी जो भी आपसे पूछा गया है. नेक्स्ट देखिए, मीरा वेंट टू अ शॉप एंड बॉट 5 टॉय प्लेन्स फॉर ₹320. हाउ मच डिड शी पे फॉर ईच? देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको 5 टॉयज़ की कॉस्ट दे रखी है और आपको 1 टॉय की कॉस्ट निकालनी है. तो हमेशा याद रखना है, ये हमारा यूनिटरी मेथड होता है. जब हम एक चीज़ की कीमत निकालते हैं और हमें ज़्यादा की कीमत दे रखी होती है तो हम डिवाइड करते हैं, और जब हमें ज़्यादा चीज़ों की बता रखी होती है और हमें कम चीज़ों की निकालनी होती है तो इन दैट केस हम डिवाइड करते हैं. तो अगर 5 टॉय 320 रुपये के हैं तो 1 टॉय कितने का होगा, हम क्या करेंगे, 320 डिवाइड बाय 5. तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 64. नेक्स्ट देखिए, चेतना बॉट 1.5 dozen ऑफ हेयर पिंस फॉर ₹48. 1.5 dozen, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि 1.5 dozen होता कितना है. तो देखिए, 1 + 1/2, 1 + 1/2 dozens. तो इसका मतलब हो गया 1 dozen में कितना हो गया, 12, और 1/2 dozen में हो गया 6, क्योंकि 12 का आधा 6 होता है. तो टोटल कितनी हेयर पिंस हो गई, 18. और इन हेयर पिंस को, मतलब 18 हेयर पिंस को उसने 48 रुपीज़ में ख़रीदा है. तो आपको बताना है कि एक हेयर पिन की कॉस्ट कितनी है. तो सिंपल, आप 48 को डिवाइड कर दोगे 18 से और फिर इसको सॉल्व कर आंसर निकालोगे.
ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. टिल देन.